हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर्ट ऑफ सीजर यूनिसेक्स सैलून बाय कदीर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रंट के हेयर पर स्मूथनिंग कैसे करते हैं। आज मैं अपने बालों पे ही करने वाला हूँ फ्रंट की स्मूथनिंग। सो फ्रेंड, बहुत लोगों की डिमांड थी कि मेरे कर्ली हेयर हैं, हाँ लुक कैसे चेंज करें, क्या करें हेयर के अंदर। तो फ्रेंड, मैं अपने ही बालों में आज आपको फ्रंट की स्मूथनिंग करके बताने वाला हूँ कर्ली हेयर के अंदर लुक आप चेंज कैसे करें। मेरा शॉर्ट हेयर भी है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने किया है हेड वॉश। हेड वॉश के बाद हम ड्रायर करेंगे। ड्रायर करने के बाद सबसे पहले हम सेक्शनिंग कर लेंगे हेयर के अंदर, अच्छे से सेक्शनिंग कर लेंगे। सेक्शनिंग फ्रेंड, हम बैक के जो हेयर हैं उन पे हमें स्मूथनिंग नहीं करनी है, हमें फ्रंट में करनी है। तो हम फ्रंट के बालों में क्रीम अप्लाई करेंगे। अब हम क्रीम को अप्लाई कर रहे हैं। क्रीम को अप्लाई करने का जो तरीका है वो स्टेप बाय स्टेप होगा, और जो क्रीम है हमारी स्मूथनिंग क्रीम उसको हम स्केल से नहीं लगाएंगे। स्केल्स से 1 इंच छोड़कर तब अप्लाई करना है हमें। सो एवरीवन, हम क्रीम अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ हेयर स्मूथनिंग में क्रीम मैं कौन सी अप्लाई कर रहा हूँ। सोर्स कॉफ की प्रोफेशनल 0 नंबर नेचुरल फ्रीजी हेयर करके क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। वैसे स्मूथनिंग क्रीम में बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं। आप लॉरियल की यूज़ कर सकते हो, सोर्स कॉफ की यूज़ कर सकते हो, मैट्रिक्स की यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिक्स की यूज़ कर सकते हो, एनी अदर भी काफ़ी कंपनियां हैं, उनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो आप यूज़ करिए। मैं मोस्टली लॉरियल की या सोर्स कॉफ की यूज़ करता हूँ। सो गाइज, अब हम आते हैं हेयर प्रेसिंग पे। हमने हेड वॉश और ड्रायर कर लिया है पहले ही हेयर, अब सीधा हम आते हैं हेयर प्रेसिंग पे। तो प्रेसिंग में जैसे हमने स्मूथनिंग की क्रीम अप्लाई करी थी स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे सेक्शन लेके, सेम आपको प्रेसिंग भी करनी है। स्टेप बाय स्टेप ही प्रेसिंग करनी है, छोटे छोटे सेक्शन से करनी है। और जो टेम्परेचर है प्रेसिंग का अराउंड 180-190 होगा। सो गाइस, हमारी हेयर प्रेसिंग रेडी है। अब हम करेंगे न्यूट्रलाइजर क्रीम अप्लाई सोर्स कॉफ की, अच्छे से अप्लाई करेंगे। 15 से 20 मिनट्स वेट करना है हेड वॉश के लिए अप्लाई करने के बाद। तो फ्रेंड, हमने पहले बताया था फर्स्ट स्टेप था हमारा हेड वॉश, हेड वॉश के बाद हमने ड्राई किया था, सेकंड स्टेप था हमारा सोर्स कॉफ की क्रीम अप्लाई करी थी हमने स्ट्रेटनिंग, उसके बाद हमने उसको भी छोड़ा था 15 से 20 मिनट्स वेट करने के बाद हमने हेड वॉश किया था। हेड वॉश करने के बाद हमने प्रेसिंग की। प्रेसिंग करने के बाद फ्रेंड, अब हम न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद पानी से रिंस आउट करेंगे, उसके बाद ड्रायर करेंगे। ड्रायर के बाद देखो कितना चेंज आया है हेयर में। हमारी आज की हेयर स्मूथनिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।